बीजेपी विधायक की माने तो योगी सरकार बनने से पहले पुलिस मुसलमानों से डरती थी और मुसलमान भी गुंडागर्दी करते थे, लेकिन सीएम योगी के एक फतवे ने फितरत ही बदल डाली और मौलवियों के फतवे भी सीएम योगी के आगे फेल हो गए। क्या बीजेपी के डर से अब मुसलमान राष्ट्रवादी हो गए हैं? शामली से बीजेपी विधायक तो यही कह रहे हैं। योगी के फतवे में फंस गए मुसलमान, बीजेपी विधायक का ये कैसा बयान? योगी सरकार में राष्ट्रवादी हो गए हैं मुसलमान। योगी सरकार से पहले पुलिस मुस्लिमों की चिरौरी करती थी। योगी सरकार से पहले मुसलमान गुंडागर्दी करते थे। अगर इस बीजेपी विधायक की माने तो ये बात सही है। राष्ट्रवाद के इकलौते अलंबरदार भाजपाई कुछ ऐसा ही सोचते हैं। इनकी माने तो पुलिस योगी सरकार से पहले मुसलमानों से डरती थी, लेकिन अब योगी के फतवे के आगे सब फतवे फेल हो गए। ये महाशय है तेजेंद्र निर्वाल, शामली से बीजेपी विधायक हैं। इनकी माने तो योगी के फतवे के बाद मुसलमानों की फितरत ही बदल गई। जाने योगी सरकार का डर है या विचारों में परिवर्तन। कह रहे हैं कि योगी सरकार में मुसलमानों पर योगी का ही फतवा चला है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर उनकी धारणा बदल गई है। फतवे से मेरा मतलब ये था कि अभी तक कुछ मुस्लिम संगठनों के कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी टाइप जो वो इस तरह का फतवा देते हैं कि राष्ट्रगान वंदे मातरम ये हमारे धर्म के विरुद्ध है और हम इसको नहीं गाएंगे। फतवा हमेशा चलता रहो, जबरदस्ती लोगों को मजबूर करते रहे कि वो राष्ट्रगान ना गाएं। पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम मदरसों में भी होना चाहिए। हमारे लिए आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी अगर मंच से ये कह सकते हैं कि अगर अल्पसंख्यक गलती नहीं करेंगे तो बहुसंख्यक उनके साथ मारपीट या दंगा कोई नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की का प्रशिक्षण है। जो जिस तरीके से बयान योगी जी का आता है उसी तरीके से बयान उनकी पार्टी का विधायक का आ गया। रोजगार, भ्रष्टाचार, आज कहाँ वो वायदे हैं? तो ध्यान बांटने के लिए इस तरह के बयान आते रहते हैं। मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज कानून का राज नहीं है, कहाँ चले गए वो लोग सिविल सोसाइटी वाले लोग जो गले में मालाएं डालकर महंगाई पर चर्चा किया करते, आज वो नगण्य है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये ध्यान और समाज को बांटने के इस तरह के बयान देते रहते सर। सवाल यही उठता है कि आखिर योगी ने ऐसा कौन सा मंत्र फेंक दिया कि जो मुसलमान बीजेपी की नजर में गुंडे थे अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या बीजेपी विधायक मुसलमानों की नियत पर सवाल उठा रहे हैं या मुसलमानों के सहारे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? इसे योगी सरकार के डर की जीत बता रहे हैं या कथित विचारों का असर बता रहे हैं? मुजफ्फरनगर से समाचार प्लस के लिए प्रवेश कुमार की रिपोर्ट।